मैं शूटिंग कर रही थी, उसका नाम पाबंदी है और उर्दू लैंग्वेज में बन रही है। उसका गाना भी चॉइस किया जा रहा था, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे इस दुनिया से नहीं डरेंगे, तो इसलिए हम लोग काफ़ी खुला खुला काम कर रहे थे पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने जी हाँ। अच्छा, ये फिल्म लाइन में आने का आपको शौक कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। मैं तो बचपन से स्कूल के ज़माने में बहुत नॉटी थी, तो स्टेज जो स्कूल के होते थे उसमें मैं करती थी प्लेस वगैरह ना, तो जब से ही बस यानी पैदाइशी टैलेंट था मुझ में। नहीं जी, उनको देख के नहीं हुआ, किसी से इंस्पायर नहीं हुई मैं। आप में खुद में दम से आ गई। ऑफ कोर्स। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई इस किस्म का वाक्या पेश आया हो? इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा काबिल जिक्र नहीं है इंसिडेंट जो मैं आपको बताऊं, छोटे मोटे तो बेशुमार होते रहते हैं। अच्छा, आपकी जो नई आने वाली फिल्में हैं
उसके बारे में कुछ बताएं भाई, कौन कौन सी फिल्म में आप आ रही हैं, शूटिंग कर रही हैं? मेरी एक फिल्म आ रही है बेताब, मेरी सिस्टर ने डायरेक्ट की है, इट्स लव स्टोरी। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, तो सभी देखेंगे आप लोग। अच्छा, ये जो फिल्म लहंगा माहौल है, इससे आप सेटिस्फाई हैं या इसमें कुछ चेंजेस चाहती हैं? पाकिस्तान को बने में कितने साल हो गए? गोल्डन जुबली होने वाली है। तो पाकिस्तान को बने में जितने भी साल हो गए हैं, तो इंडस्ट्री भी जब से मेरे ख्याल में चल रही है ना, तो जैसी इंडस्ट्री चल रही है, हालात जैसे हैं वैसे ही अभी भी हैं। इसको कितने करोड़ों रुपए भी लग जाए ना, तो ठीक नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगी। नहीं तो अब तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया ना, पहले तो फिल्में अच्छी खासी बनती थी, उनके माँ की भी थी। हाँ। अब फिल्में उस तरह नहीं बन रही जैसे पहले बनती थी, तो फिल्म लाइन का इस तरह नीचे जाना तो आखिर कोई ना कोई वजह होगी। देखिए ना, हमारी पब्लिक एक्सेप्ट करती है ऐसी फिल्म्स, और वो देखती है और बहुत पसंद करती है। और एक्शन अगर जिस फिल्म में नहीं हो तो कहते हैं एक्शन नहीं है, अगर कॉमेडी नहीं हो तो कॉमेडी, हर सारे मसाले ये लोग मिला मिलू के और फिर वो बना के देते हैं, तो वो पसंद करती है। अगर वो नहीं पसंद करेगी तो ये लोग नहीं बनाएंगे। मतलब ये अभी जैसी फिल्म है जो चल रही है, चलने दिया जाए। हाँ जी, ऐसे ही चलने दिया जाए। तो ये तो आस्ते आस्ते आगे जाकर जैसा कि वो जा रहे हैं, हालात जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है फिल्म लाइन। मेरे ख्याल में लोग कहते रहेंगे खत्म हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं, इसी तरह चलती रहेगी। और कब से लोग कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी, बोरान आ गया, ये हो गया। यहाँ तो रोज़ाना ओपनिंग्स होती हैं फिल्मों की, और रोज़ाना फिल्में बन रही हैं। जो आउट हैं फिल्म इंडस्ट्री से, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री में उनको तो पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिल्में बन रही हैं, लग रही हैं। फिल्मों की कहानी जो है वो हमारा जो माहौल है उसको सही तौर पर जो है पेश नहीं करती। आप तो उसमें काम करती हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है जो कुछ फिल्मों में दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के माहौल के बारे में? आपका क्या ख्याल है? मैं इसलिए से पूछ रहा हूं, आपका क्या ख्याल है, मुझे अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अब ये है कि मैं तो सिर्फ यही कर सकती हूँ ना, इसके अलावा तो मैं कोई और जॉब नहीं कर सकती। अब ये मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं जॉब है, तो जिस तरह भी होता है, जो भी कहते हैं हम लोग करते हैं, आर्टिस्ट तो करते हैं जैसा भी कहा जाता है, लेकिन ये कि दिल से नहीं करते। और हम लोग हंसते रहते हैं आपस में, आर्टिस्ट बातें करते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उल्टा सीधा जो भी हो रहा होता है, लेकिन करना पड़ता है, जाहिर है। मतलब ये है भाई, आपकी अपनी फैमिली ने कुछ अच्छी जो ना फिल्में प्रोड्यूस की, तो अगर उसी तरह की फिल्में बनाई जाए तो क्या उसकी मार्केट नहीं? भाई अब हम लोग तो हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो गया है, और अब हिम्मत नहीं है उस तरह की फिल्म बनाने की। लगता है कि ये एक नया तजुर्बा होगा एक तरह से, क्योंकि अब ऐसी फिल्में एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग। अच्छा। तो रिस्की काम है, और फिर इतना प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशली, क्योंकि ये तो रिस्क हुआ ना, कि अगर हम करेंगे तो सिर्फ हम ही करेंगे, यहाँ ये दूसरा करने वाला कोई नहीं है। नहीं, जो आपकी पहले आई हैं फिल्में आई हैं आपकी फैमिली की तरफ से, हाँ जी, वो अच्छी खासी जो चली हैं, बिजनेस भी अच्छा किया है, तो फिर ये जो है खौफ क्यों है अभी, शायद वो फिल्म ना चले और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यही वजह, यही बात। तो अब आपने अभी खुद ही कहा कि अब डिफरेंट चेंज हो गया है सारा कुछ, फिल्म्स जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल से बन रही हैं, काफ़ी उसमें मारधाड़ है और ये है और वो, कहानी तो होती नहीं है, एक विलन होता है और ये होता है वो होता है जो भी होता है, लेकिन उस तरह की फिल्में मेरे ख्याल में अगर सब लोग स्टार्ट करें बनाना तो फिर एक्सेप्ट करेगी पब्लिक। जाहिर है जब वही फिल्में लगेंगी तो उनको देखना पड़ेगा, लेकिन अब लगती यही है, और उसमें से अगर एक फिल्म ऐसी लग जाती है तो वो रिस्की है बड़ा। आज तक आपने जिन फिल्मों में काम किया है उनमें सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी मुझे कोई दिल से कोई फिल्म भी नहीं लगी। अच्छा। कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहें और आपके जो है ना ख्वाहिश हो भी, हाँ ये रोल मैं करना चाहती हूँ फिल्म में, किया है आपने ऐसा रोल अब तक जो करना चाहती हैं, कोई आपके दिल में ख्वाहिश है? ऐसा कोई रोल मैंने अभी तक किया नहीं है, और कोई ऐसी करने की ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती ज़रूर हूँ कि कोई यादगार रोल करूँ। यादगार रोल का मतलब है कोई आपके? ज़रूरी नहीं है कि कोई
कोई मॉडर्न लड़की हो या कोई फकीर लड़की हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी अच्छा मुश्किल रोल मैं चाहती हूँ करना। किस किस्म का मुश्किल रोल? माशरे में हजारों किरदार ऐसे हैं जो मैंने अभी तक नहीं किए। जो आपने अपने जहन में जो है वो उसका नहीं, मैंने कोई ऐसा बनाया नहीं। कोई भी सामने किरदार आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ भाई ये है मेरे लिए। अभी मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं। पर मैं शादी शो बिजनेस में जो भी हैं उनको नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बारे में तो कह सकती हूँ कि मुझे तो करनी नहीं चाहिए, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। मैं अपनी आई कॉन्ट शेयर माई थिंग्स विद हस्बैंड, और मैं बड़ी मोटी हूँ और बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं निभा नहीं कर सकती किसी के साथ भी। तो मैंने यही फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वो यानी क्या है उसमें? नहीं, वो बड़े लोग हैं जिन्होंने नहीं की। माशरा जो है ना, वो इस चीजों को जो बोलने करता है। देखिए ना, अब ये लोग जिस जगह हम रहते हैं, हाँ, अगर उन्हीं लोगों में हमने रहना है जहाँ उठना बैठना खाना भी चलता है, तो वहाँ पर इस किस्म की बातें जो है वो उसको अजीब सी लगती है। अजीब लगती है। तो मैं कुछ अजीब सी लड़की हूँ, तो अजीब सी काम करना चाहती हूँ। तो आदमी लेकर